सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के ZT10 Pro डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर फ्लैश लाइट के हिडन सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से फ्लैश लाइट के हिडन सेटिंग्स को आप एक्सेस करेंगे। अभी चलो छोटा सा डेमो करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फ्रंट लाइट है फ्लैश लाइट का या फिर रियर कैमरे की जो बैक लाइट है उसको एक साथ ही आप जो है ऑन कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है, चलो छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं फ्लैश लाइट के हिडन सेटिंग्स को कैसे यूज करते हैं। वेल गाइस, फोन के अंदर फ्लैश लाइट के हिडन सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए हमें कंट्रोल सेंटर को ओपन करना होगा जहां से अपने लाइट्स को हम ऑन करते हैं। अभी देखो इसमें एक सेटिंग्स होगी टॉर्च वाली, इस तरह से टॉर्च को एक सिंगल प्रेस करेंगे तो ये टॉर्च जलेगी बैक वाली, बट यहां फ्रंट की टॉर्च अभी नहीं जल रही है तो इसको एक बार लॉन्ग प्रेस करना है इस टॉर्च वाले ऑप्शन को। इसमें 360 का एक ऑप्शन होगा, इसको अगर प्रेस करेंगे तो फ्रंट कैमरे की भी लाइट ऑन हो जाएगी। देन देख सकते हो अभी फ्रंट वाली भी चल रही है एंड यहाँ बैक भी चल रही है, दोनों एक साथ चल रही है और काफी इंटरेस्टिंग। अगर आपको काम करना है तो एक साथ इस तरह से स्टंट करोगे फोन को तो इधर का भी काम कर सकते हो, अगर कोई पर्सन इधर वर्क कर रहा है तो वो भी कर सकता है। ये इसके सेटिंग्स हैं टॉर्च के हिडन। अगर ये आपको पता नहीं था तो आप जो है इसको एक बार ट्राई करें फोन के अंदर। और इंटरेस्टिंग है गाइज फ्लैश लाइट वाला ये सेटिंग्स, ये हिडन जो सेटिंग्स है इससे आप जो है दोनों टॉर्च को एक साथ इनेबल कर पाओगे। आई थिंक गाइज समझोगे फ्लैश लाइट के हिडन सेटिंग्स को एक्सेस कैसे करना था इन्फिनिक्स के ZT10 Pro डिवाइस के अंदर।